मरे जोर तो ला के नहीं जोर के नहीं भाई तो मोटरसाइकिल क्या सीखना है एक ओए होए सारा काम ही खराब कर देता अभी ना वैसे मोटरसाइकिल तो मेरे घर है पिया अच्छा ते मोटरसाइकिल में चलावना कोई नहीं आंदा गुड मैं क्या करा करना तो के है बस क्या बोला तूने करना तो के जब बेइज्जती अगर मियर बंद थी सके तो मोटरसाइकिल सिखा दे वो मोहल्ले की चुड़ैलों को डराने वाली आंटी घर में बाइक खड़ी है ना किसने ला दी जिसने घर में ला के दी जाओ उसके पास वो सिखाई करा यहाँ क्या कर रही हूँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप तू सीखे मैं सीखे मैं पाकिस्तान फतह करे ऐसा आए हाय नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली पता नहीं कौन से सस्ते नशे फूंक के अपनी जिंदगी घसीट रहे हैं रुक तेरे को बता दे गंजा गंजा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो चुका है फतह हो चुका है अब पता नहीं तुम किस पाकिस्तान को फतह करने की आंटी सोच रही हो जब चुड़ैलों से ये सस्ते नशे खींच के फूकोगे तो यही हाल होगा अच्छा मोटरसाइकिल से गले तो फिर तू पाकिस्तान फतह करोगे ना पागल है क्या भोसड़ी के बेहोश सोढ़ानी गेंडे की छांट के चोदे फतह कर लेगी क्या मतलब पाकिस्तान फतह है हम रह रहे हैं आजाद है जिसमें तुम रह रहे हो मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम वीडियो बना रहे हो और भेड़िया क्या कर रहे हो अकल वकल का कुछ बंदा इस्तेमाल कर लेता है कि उसने क्या बोंगा मैंने क्या बोंगा वो कटवट कर लेता है बंदा भेड़ चोत कोई एडिटिंग होती है कुछ होता है कि नहीं बस कैमरा लगाए और बस भेड़ चोत बड़े बड़े साजिद माजिद वाली दिया अकाउंट और बना दी वीडियो मिलियन में व्यूज भी ले रहे और यहाँ हम भेड़ चोत गान मरा रहे हैं लड़कियां बाइक चलाना सीखेंगी ना 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 वो देख के ही भाग जाएंगे भाई हमें माफ कर दे हमें छुट्टी दे दे मेरे पास कोई फाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे टेंशन तो ना लाया तू एक बार मैंने सिखा दे सही मैं तेन पता ना हालात खराब है तो तेरी मेहरबानी क्या और को सीख ला मैंने ए हन्नो है तेरी ना मां ना प्यो ए खुसरा भैनचोद हां हां हालात बहुत खराब है अपनी सारी दौलत लुटा चुका है हकीमों पे आपके आगे बैठने से कुछ नहीं होने वाला उन्होंने बोल दिया कि 0% चांस है खड़े होने के नहीं नहीं मौके तो तू मौजूद है लेकिन मैं तेरे को ही सीखना तू अगली गल छोड़ मैं सिखाना नहीं सिखाना तेरे पता देहात के लोग के अक्सर तो गया कहाँ हाँ यार ये भी है लोग क्या बोलेंगे कि 40 साल की प्लस आंटी को एक 22-23 साल का मुठ्ठल लड़का बाइक चलाना सिखा रहा है जिसका खड़ा नहीं होता जिसके हकीमों ने हाथ बांध के बोला कि भोसड़ी के यहाँ पे दोबारा मत आना तेरा कुछ नहीं हो सकता तो यार ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि गलत बात है ना सिखा पैसा बर्बाद पहन चोर मैं आधी मैं भजावा मोटरसाइकिल तू आते खलो रहा है ये मोटरसाइकिल ठीक है ते ए चाबी हर चीज तू सवाल मैं जानदा पे घर घर चेक कर ले जाना चला बस आप दिखाएंगे आप ये करेंगे आप वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे मां चूत गई हमने भी सोचा था इसकी मां की चूत कुछ तो करेंगे नाज़रीन हम आपके लिए न्यू ताज़ा तरीन अपडेट्स लाए हैं एक देहात में एक 22-23 साल का मुठ्ठल नौजवान एक आंटी के हत्थे चढ़ गया आंटी उसको मजबूर कर रही थी मुझे बाइक चलाना सिखाओ हालांकि उस लाचार मजबूर बेचारे लड़के ने बोल दिया है कि मुझसे कुछ ना हो पाएगा हकीम ने मेरे सामने हाथ जोड़ के बोला कि 0% चांस है लेकिन फिर भी आंटी उसको इतना मजबूर कर रही है कि उसने यहाँ तक भी बोल दिया ये खड़ी है बाइक आप जानो बाइक जाने लेकिन नहीं नहीं छोड़ रही उसकी आंटी जान तो आज देखते हैं कि क्या बना है आगे साथ में मिलके देखते हैं और इस ट्रिमर को मुझे कुछ याद आ गई बकार भाई छोड़ो भाई छोड़ो चलो आ जाओ चल बिल्कुल हम मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे बाइक पर जिसने ला के दिए वो भी तो आपको सिखा सकता है 22-23 साल के मुठ्ठल नौजवान को आप क्यों परेशान कर रही है ये गलत बात है ना करें छोड़ दे बेचारी की जान कुछ ना हो पाएगा दिमाग तो बस फारग हो गया छोरा शांति अभी तक आपको इतना ही पता चला कि वो दिमाग से फारग है हम तो बहुत आगे की सोच रखने वाले हमें तो बहुत चीजों का पता चल चुका है किन किन चीजों से फारग है बड़ा हरामी हो बेटा आंटी पीछे बैठे आंटी से कुछ नहीं होना अगर तुम पीछे बैठो तो भी कुछ नहीं होना तो बस बैठ लो यार किधर भी ये बड़ी अच्छी बात कही यार ना मैं लात चाह रहा था अच्छा तकलीफ नहीं देने में तकलीफ क्यों क्योंकि तू मेरी लात चढ़ाने से बड़ा तुम टाइम लगता है ना
अच्छा लत्ता पे जाने नहीं दे रही। ए देख ए चाल ही मिला लत्ता चाणो को मुश्किल है। नहीं आंटी जी, किसने आपको बोल दिया कि टांगे उठाना मुश्किल बात है? मुश्किल है? हां मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल नहीं है। आप जैसे लोग तो कहीं भी उठा लेते हैं। क्लच। अच्छा ए है दी अगली ब्रेक, ए है दी चाबी, ए बंद थी गया। अच्छा ए चल गया, ऑन थी गया। ठीक है, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, चाहे 0% चांस क्यों ना हो खड़े होने के, लेकिन आदत से मजबूर बंदा अपनी औकात पे आ ही जाता है, दिखाई देता है। स्विच वहां पे है और ऑन ऑफ यहां पे बता रहा है। दे शर्मो, शर्म करो, शर्म। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? ना 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 आंटी, ऐसे ही लगी हुई हो, कुछ नहीं होना, नाकाम कोशिश। बेचारे का जो मौत के लिए बचा ना, उसका भी आप बेड़ा गारे की कर दोगी, फिर क्या भोसड़ी का गान समूतेगा? कैसे दिया आपको? है? नहीं दिया? अच्छा है भड़वे, अबे यार बेचारा आदत से मजबूर। आदत से मुझे कहावत याद आ गई कि सर के साथ आते जाती है, यानी कि सर जाएगा तो आते जाएंगी, अच्छी हो गंदी हो चली जाएंगी। हालांकि होना कुछ नहीं है, लेकिन बेचारा साजिद माजिद का ऐसे ही गलत दबाया जा रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा, सुती जानी है। हर ऐसी चूतिया वीडियो का बाइक चलाना सिखाते हैं, चाबी कैसे लगती है, क्लच कैसे पकड़ते हैं, ब्रेक कैसे लगाती है, और साजिद माजिद का गलत दबाया जाता है एंड पे, बस यही खत्म। तो हम आंटी जी से जानना चाहेंगे कि अभी भी वो दिमाग पे अटकी हुई है कि उसका दिमाग ही खत्म है, या वो भी जान गई है? तो आंटी जी की जबानी सुनिए। चलो 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 चल सीखना है। चल ता दे के तेनु सिखना नहीं जावना। चल बे मैं नहीं सीख रही, तन चलावन तरीका खुद नु कोई नहीं, तो मैं के मोटरसाइकिल सीखी है। हां प्यारी समझ गई आंटी जी, 0% वाली बात अब समझ गई, उसका हृदयमर यही था। तो यार वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक दबाने, और चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।